सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 कमांड्स के बारे में। सो गाइस, हम सब थे एंड यू आर वाचिंग ऑल डिफरेंट ट्रिक्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो गाइस, यहाँ से हम आ चुके अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, सिंपली मैं यहाँ से आपको अपने कमांड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, तो यहाँ से हमारा कमांड ओपन हो जाएगा जो मैंने पिछले वीडियो में शॉर्टकट की क्रिएट किया था। सो गाइस, यहाँ से मैं आपको 10 कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बेसिक हैं। सो गाइस, यहाँ पे पहले मैं इसको छोट कर लेता हूँ। सो गाइस, हमारा पहला कमांड है कॉपी कॉन। सो गाइस, इस कमांड का यूज़ करके हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट को। सो गाइस, यहाँ सिंपली कॉपी कॉन स्पेस एंड यहाँ पे फाइल का नेम देंगे। तो मैं यहाँ का फाइल का नेम दे देता हूँ सत्या। सो गाइस, फाइल का नेम देने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम सत्या एंटर करता हूँ एंड सुबह से एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको फाइल क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आपको कुछ मैटर भी टाइप करना होगा, लाइक टेक्स्ट। यहाँ पे आप उस फाइल में क्या टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, जैसे आप नोट पैड में करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट्स। एंड गाइस, यहाँ से टाइप करने के बाद सिंपली मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंड गाइस, यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। गाइस, कंट्रोल जेड प्रेस करने से क्या होता है कि ये फाइल सेव हो जाता है। सो गाइस, कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंड गाइस, यहाँ से एंटर प्रेस करने पे हमारा फाइल क्रिएट हो गया। सो गाइस, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कोई ये फाइल कहाँ क्रिएट हुआ है, जो हमारा सी है, यूजर सत्या कसौजन, जिसके अंदर हैं इस समय हम। सो गाइस, यहाँ से सिंपली लोकल डिस्क सी में जाएंगे, यहाँ पे यूजर्स फाइल्स को ओपन करेंगे एंड सत्या कसौजन को। सो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा सत्या के नाम से एक फाइल जो मैंने क्रिएट किया है। सो गाइस, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, सो गाइस ये ओपन होगा कमांड में, लेकिन मैं अगर यहाँ से इसको नोट पैड से ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमने टेक्स्ट को टाइप किया था ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से इस तरह से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड गाइस, यहाँ से मैं बात करता हूँ दूसरे कमांड का। सो गाइस, यहाँ पे दूसरा कमांड है कॉपी। सो गाइस, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कॉपी कमांड का यूज करके हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं दूसरे नाम से। तो कॉपी स्पेस एंड यहाँ पे फाइल का नाम देंगे जो ओल्ड फाइल नेम था। एंड गाइस, यहाँ पे न्यू फाइल नेम सत्या वन देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ एंड हमारा फाइल कॉपी हो गया। सो सिंपली यहाँ से हम जाएंगे डिस्क सी में एंड लोकल डिस्क सी में जाएंगे। वहाँ से आपको मैं इस फाइल को दिखा देता हूँ किस तरह क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर एंड सत्या कसौजन। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको नीचे देखने को मिल जाएगा एकदम सत्या वन के नाम से। सो गाइस, आपका फाइल तो वही है, मैटर आपका उसमें वही है जो टेक्स्ट था, बट यहाँ पे फाइल का नेम चेंज हो गया, वो भी दूसरा फाइल कॉपी हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कमांड है डी आई आर डायरेक्ट्री। सो गाइस, यहाँ से डायरेक्ट्री को देखने के लिए आप जो इसमें डायरेक्ट्री फाइल क्रिएट किए होंगे लाइक फोल्डर, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार सीएलएस कर देता हूँ। मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि इसमें कैसे चेक करें। तो मैं यहाँ पे दूसरे कमांड के बारे में बात करूँ तो गाइस, यहाँ पे हमारा एक कमांड है रेन कमांड। सो गाइस, इसके पहले जो हमने फाइल को क्रिएट किया था उसको हम रीनेम करने वाले हैं। तो यहाँ पे रेन स्पेस एंड यहाँ पे हम उसका फाइल का नेम देंगे जो हमें रीनेम करना है। तो हमारा एक सत्या के नाम से फाइल जो बनाया था मैंने, और उसके बाद सत्या स्पेस एंड यहाँ पे जो हमें न्यू फाइल का नेम देना है तो मैं देता हूँ रोहित एंड एंटर प्रेस कर देंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये रीनेम हो गया। सो गाइस, यहाँ पे सिंपली अगर मैं लोकल डिस्क सी को ओपन करता हूँ एंड यहाँ से यूजर एंड सत्या का सदन फाइल में एंटर करूँगा। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं जो मेरा सत्या के नाम से फाइल था वो रीनेम हो चुका है रोहित के नाम से। गाइस, मैटर आपका वही रहेगा, केवल आपका नेम रीनेम होने वाला है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ से इस तरह आप इसको कमांड से ही देख पाएंगे। एंड गाइस, यहाँ से आप सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ से हमारा नेक्स्ट कमांड है डेल। सो गाइस, जो फाइल हम क्रिएट करते हैं उसको डिलीट करने के लिए डेल कमांड का यूज करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने डेल स्पेस सत्या वन को डिलीट कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं चेक करूँ तो वहाँ पे ये मेरा फाइल डिलीट हो चुका होगा। सो गाइस, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे फाइल डिलीट हो गया सत्या वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहित सत्या वन था, तो रोहित है और सत्या वन का फाइल डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप डेल का यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद इसको हमारा नेक्स्ट कमांड है, इसको हम चेलेस करते हैं एमडी मेक डायरेक्टरी का। सो गाइस, एमडी मोहित से मैं एक मेक डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करूंगा।
सो गाइस यहां से मैं दिखा देता हूं, ये मेरा यहां पे फाइल क्रिएट हो गया। सो गाइस ये एक फोल्डर की तरह क्रिएट होता है, यहां पे आप देख सकते हैं मोहित के नाम से एक फोल्डर यहां पे क्रिएट हो चुका है। सो गाइस यहां से हमने जो ये मोहित फोल्डर बनाया तो इसको एक बार हम डिलीट करेंगे। गाइस ये मेक डायरेक्टरी फाइल है तो अगर हम इसको डायरेक्ट डिलीट करेंगे जब ये एम्प्टी होगा, खाली होगा, तभी ये डिलीट होता है। सो गाइस यहां से एक बार मैं चेक कर लेता हूं डेल एमओएचएस, तो यहां से अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये फोल्डर खाली है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई फाइल क्रिएट कर दूंगा तो वो डिलीट डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें जो फाइल रहेगा वो डिलीट होगा। सो मैं इसको एन करता हूं। सबसे पहले मैं इसमें सीडी स्पेस मोहित इसको मैं चेंज डायरेक्टरी कर देता हूं एंड यहां से मैं एक कॉपी कॉन फाइल क्रिएट करूंगा। तो फाइल मैं यहां पे राहुल के नाम से क्रिएट करता हूं, राहुल एंटर। एंड गाइस इसमें आपको कुछ टेक्स्ट भी टाइप करना होगा तो मैं यहां पे टेक्स्ट टाइप कर लेता हूं, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। सो यहां पे मैं टाइप कर लेता हूं इसको। एंड गाइस टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल जेड कर देंगे, वहां से हम इस फाइल को सेव कर देंगे। सो गाइस यहां से हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं मोहित में, यहां से राहुल देख फाइल एक देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहां से अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां पे आपको जो मैटर है वो शो हो जाएगा कि इसमें मैंने क्या टेक्स्ट टाइप किया है। आप वो कमांड से भी दे सकते हैं चाहे जब। तो यहां से मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं ये हमारा ही इज माय बेस्ट फ्रेंड टाइप हो गया जिसमें मैंने टाइप किया था। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं एंड यहां से मैं क्लोज करके अब गाइस अब मैं इसको अगर डेल का यूज करूं, अगर इसको फाइल को डिलीट करूं तो यहां से आप देख पाएंगे कि अगर मैं यहां से यूज करता हूं डेल, पहले तो मैं इसको डेल यूज करता हूं एंड मोहित। सो गाइस अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये जो फाइल है अभी मैं चेंज डायरेक्टरी लिखा है, मैं इसमें अभी मोहित वाले फाइल में मौजूद हूं इसलिए डिलीट नहीं होगा। तो मैं इसको सीडी डॉट डॉट स्पेस से क्या करूंगा, बैक आ जाऊंगा। तो सिंपली मैं यहां से एक बार बैक आ जाता हूं। गाइस आरडी से भी मेरा नहीं डिलीट होगा क्योंकि आरडी एक होता है जो डायरेक्टरी फाइल को डिलीट करता है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं सीडी डॉट डॉट एंटर। सो गाइस यहां से हो गया मेरा। तो मैं अगर डेल स्पेस मोहित करता हूं तो गाइस एंटर, तो यहां पे डिलीट के लिए वाई करता हूं एस। तो मैं अगर फाइल यहां पे चेक करूं तो यहां से आप देख सकते हैं मेरा जो मोहित फोल्डर है उसमें जो मैंने फाइल क्रिएट किया था राहुल के नाम से वो मेरा डिलीट हो चुका होगा। यहां से आप देख सकते हैं मैं मोहित वाले फाइल को ओपन करता हूं तो यहां से आप देख सकते हो फाइल डिलीट हो गया। सो गाइस अगर मैं डेल करके मोहित वाले फाइल को डिलीट करूं तो ये मेरा फाइल जो है वो डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर ये खाली है तो डिलीट हो जाएगा। सो गाइस डायरेक्टरी फाइल को डिलीट करने के लिए आरडी स्पेस मोहित लिखेंगे तो यहां पे मेरा ये डिलीट हो गया होगा फाइल, आप यहां से देख सकते हैं। सो गाइस यहां पे आप देख पाएंगे कि फाइल मेरा जो वो था वो मोहित के नाम से वो डिलीट हो गया है। सो गाइस इस तरह से आप मेक डायरेक्टरी का यूज करके जो फोल्डर क्रिएट कर पाएंगे। सो गाइस एमडी करके मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूं और डीआईआर करके मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे कैसे इसको डीआर का यूज है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने जो फाइल बनाया था यहां पे डायरेक्टली वो क्रिएट हो गया है। सो गाइस अगर मैं वहां पे लोकल डिस्ट्री में जाके चेक करूं तो वहां पे भी मेरा एक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहां पे इसको डिलीट कर लेता हूं आरडी राहुल करके। सो गाइस यहां पे हमारा डिलीट हो चुका है, मैं इसको कर देता हूं सेव। सो गाइस हमारा नेक्स्ट कमांड है डेट। सो गाइस डेट एंटर प्रेस करेंगे तो यहां से आप अपने पीसी का करंट डेट देख सकते हैं। अगर आप न्यू डेट देना चाहते हैं तो यहां पे दे सकते हैं या फिर एंटर कर सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद मेरा नेक्स्ट है टाइम। सो गाइस टाइम वाले से क्या करते हैं, सिंपल टाइम चेक कर लेते हैं। एंड गाइस एंटर द न्यू टाइम। सो गाइस यहां पे अगर हमको न्यू टाइम देना तो कर देंगे एंटर। सो गाइस यहां से हमारा लास्ट है वर्जन। सो गाइस वर्जन वी आर टाइप करेंगे एंड यहां से वी आर टाइप एंटर प्रेस करेंगे। सो यहां पे आप अपने कंप्यूटर का वर्जन चेक कर पाएंगे कि आपका कंप्यूटर किस वर्जन का है। सो गाइस यहां पे हमारा लास्ट है एग्जिट, जो हम यहां से एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं। सो गाइस ये मैंने कल भी बताया था। सो यहां से आप इस तरह यूज कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया।
एंड गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।